कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की आलोचना की है क्योंकि पार्टी सांसद शशि थरूर ने जब निचले सदन में शपथ लेते समय जय संविधान का नारा लगाया था तो उन्होंने आपत्ति जताई थी। गुरुवार को शशि थरूर ने संविधान के एक प्रति हाथ में लेकर अंग्रेजी में शपथ ली। शपथ समाप्त करते हुए और अध्यक्ष के हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा, जय हिंद जय संविधान। इस पर अब उद्धव ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई। आदित्य ठाकरे ने एक्स पर कहा, क्या संसद में शपथ लेने के बाद जय संविधान कहना अपराध है? हम वही दोहराते हैं जो हम अब तक कहते आए हैं। बीजेपी अपना संविधान बदलना चाहती है। जय हिंद जय संविधान इतनी घिनौनी प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत, क्योंकि जय संविधान भारत के सभी लोगों की आवाज है। वो महान व्यक्ति डॉक्टर क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की आलोचना की है क्योंकि पार्टी सांसद शशि थरूर ने जब निचले सदन में शपथ लेते समय जय संविधान का नारा लगाया था तो उन्होंने आपत्ति जताई थी। गुरुवार को शशि थरूर ने संविधान के एक प्रति हाथ में लेकर अंग्रेजी में शपथ ली। शपथ समाप्त करते हुए और अध्यक्ष के हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा, जय हिंद जय संविधान। इस पर अब उद्धव ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई। आदित्य ठाकरे ने एक्स पर कहा, क्या संसद में शपथ लेने के बाद जय संविधान कहना अपराध है? हम वही दोहराते हैं जो हम अब तक कहते आए हैं। बीजेपी अपना संविधान बदलना चाहती है। जय हिंद जय संविधान इतनी घिनौनी प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत, क्योंकि जय संविधान भारत के सभी लोगों की आवाज है। वो महान व्यक्ति डॉक्टर क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है।